आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। तो चलते हैं, कुछ मनन चिंतन करते हैं। बोझ वाली आत्मा की निशानी है, जब मुझे दूसरों से कुछ अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, मेरे अनुसार सब चलता रहे तो ठीक है, नहीं तो मूड अपसेट, फिर व्यर्थ चिंतन, ईर्ष्या, क्रोध की भावना आ जाती है। तो अपेक्षाएं रखना माना, इच्छाएं रखना अर्थात दूसरों से मांगना, और ये इच्छाएं मुझे बोझ वाली आत्मा, पाप आत्मा बनाती हैं। बाबा कहते, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। इस बेहद के नाटक में हर आत्मा का रोल फिक्स है। सभी आत्माएं अपने अपने संस्कारों अनुसार कर्म कर रही हैं। अपना अपना पाठ एक्यूरेटली प्ले कर रही हैं। जैसे उनके संस्कार हैं, वे वैसे ही सोचेंगे,
वैसे ही फील करेंगे, वैसे ही बोलेंगे और कर्म करेंगे। वे मेरे अनुसार ना तो सोचेंगे ना फील करेंगे ना बोलेंगे और ना ही कर्म करेंगे। मुझे साक्षी होकर हर एक के पाठ को, संस्कारों को समझकर अपने पाठ पर अटेंशन देना है। जो जैसा है वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं मन में सबके प्रति शुभ भावना रखने में सबको दुआएं देने में स्वयं को जितना बिजी रखती हूँ उतना मैं सेफ हूँ, मैं लाइट हूँ, मेरा अटेंशन सदैव अपने लक्ष्य पर रहे। और मेरा लक्ष्य है बाबा का दिल तख्त नशीन बनना। बाबा की हर एक डायरेक्शन को एक्यूरेटली फॉलो करना। बाबा जैसा बनना बाबा की दुआएं लेना जब मैं अपने लक्ष्य की राह पर अग्रसर हूं तब ही मैं पुण्यात्मा बन सकती हूँ।